वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होगी उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर प्रेडिक्शन। हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी और आपके रिश्ते में क्या चमत्कार होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स रेमेडीज ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड सबसे पहले देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ओके, एंड क्या रहेगी बेसिकली नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप फोकस बनाइए जिनके भी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो नेक्स्ट 72 आवर के लिए। We have Knight of Stones, we have Three of Bows, we have Seven of Bows, we have Eight of Arrows. For next, we have 8 of Stones. ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स आपको लेकर क्या रहेंगी। तो देखिए सबसे पहले चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके जो पर्सन हैं वो बहुत तरीके के इल्यूजन कन्फ्यूजन एंड बहुत तरीके के सेल्फ बैरियर से निकल रहे हैं। मतलब बहुत टाइम से सोचते हैं ये इंसान खुद को रोक रहे थे आपकी तरफ आने से, आपके लिए एफर्ट डालने से, या फिर यू नो कन्फ्यूजन में थे या फिर कुछ नेगेटिविटी में थे। तो मुझे लग रहा है कि कुछ तरीके के स्ट्रगल, कुछ तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ तरीके के इल्यूजन्स कन्फ्यूजन्स एंड कुछ तरीके के अपने आप को रिजर्व रखने वाली एनर्जी से ये इंसान निकल रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे आपके पर्सन मूवमेंट्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं मेंटली एंड फिजिकली एज वेल। तो अगर इस पर्सन के दिलो दिमाग में या ज़िंदगी में कुछ रुकावटें थी जो जिसको आप जिसके वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे या फिर आपके रिश्ते में यू नो टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो उस चीज़ से ये इंसान निकल रहे हैं, उस डर से, उस भावना से और उस रुकावट से आपके पर्सन मुझे निकलते हुए क्लियरली नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके जो पर्सन हैं उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्हें उनकी जो विश है, उनकी जो इच्छा है आपके प्रति, आपके रिश्ते के प्रति, वो उन्हें पूरा करना है और उन्हें रुके नहीं रहना है या फिर उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है या फिर उन्हें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है बल्कि अपने तरफ से चीज़ों को करना है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन को फील होगा कि इन्हें अपने तरफ से 110% देना है इस रिश्ते में, बिकॉज इनकी चाहत है आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की, आपके साथ कनेक्ट होने की, आपके साथ बॉन्ड बनाने की। तो जो भी चीज़ इनके दिमाग में है, जो भी चीज़ इनकी विश है या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं या कन्फ्यूजन्स है उससे निकलेंगे और उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्हें अपना 110% देना है इस रिश्ते में, ठीक है, और आपके लिए, ठीक है, और जितना उनसे हो सके उतना उन्हें करना है। तो मुझे बहुत मूवमेंट की एनर्जीज आ रही है। सो अगर ये कोई क्रश है तो हो सकता है ये इंसान आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में कन्फेस करेंगे या फिर कुछ ऐसा जेस्चर्स करेंगे जिससे आपको महसूस होगा कि हाँ ये इंसान भी आपको चाहते हैं। अगर ये एक्स है ये कमबैक कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, रियूनियन के लिए बोल सकते हैं, प्रेजेंट पार्टनर के साथ झगड़ा चल रहा था आपका तो यू नो सॉर्ट आउट करेंगे या मिलने आएंगे, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो आप दोनों अलग रह रहे हो तो सकता है आपको लेने आ जाएंगे या फिर आपके घर में आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो वो आपके पर्सन मूवमेंट लेंगे बेसिकली, कुछ करेंगे, ठीक है, अपने डर को यू नो काबू होने नहीं देंगे बल्कि उससे निकल जाएंगे। तो थर्ड पार्टी अगर है तो मुझे बहुत एनर्जी आ रही है कि परमानेंटली भी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आप दोनों के लाइफ से निकल सकती है या थर्ड पार्टी इशू सॉल्व हो सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 72 आवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों की ज़िंदगी के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों मिलने भी वाले हो या फिर आप दोनों को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है अगर आप लोग दूर रहते हो या फिर मिले नहीं हो बहुत टाइम से या पॉसिबल नहीं हो रहा था तो।
ओके सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है। आपके पर्सन अच्छे भावनाओं में, अच्छे वाइब्रेशन में रहेंगे, हायर लेवल ऑफ वाइब्रेशन में रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके यस, तो चलिए देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या रहेंगे आपके पर्सन के लिए नेक्स्ट 72 आवर में। We have patience number 16. We have the thinking woman. Second chakra archangel area number 36. Bottom direct we have seven chakra archangel Uriel number 41. So देखिए मुझे लग रहा है next 72 hours में आप बहुत ज़्यादा optimistic होने वाले हो अपने रिश्ते को लेकर, ठीक है। आप इस रिश्ते के depth में जाओगे, आप अपने person के perspective को भी देखोगे, अपने person के side को भी you know समझने की कोशिश करोगे। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा पेशेंस एंड ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी आपके अंदर आएगी इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी इस रिश्ते को लेकर और इन डेप्थ आप कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को समझोगे या फिर कुछ अलग वाइब या फिर अलग फीलिंग जो आपको अब तक नहीं आ रही थी वो नेक्स्ट 72 आवर्स में आ सकती है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता बहुत हद तक बैलेंस हो सकता है या फिर एटलीस्ट आपके दिलो दिमाग से जो नेगेटिविटी है या फिर जो डर है या फिर जो दुख है या जो इमोशनल लॉस आपका हुआ है वो आपका यहाँ पर रीगेन हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर आपके दिल में डर है और अब तक अगर आपको लग रहा था कि इनसिक्योर हुआ आप या फिर आपके पर्सन कमिट नहीं कर रहे हैं तो शायद यू नो वो बेटर डिजर्व करते हैं या फिर उन्हें कोई अच्छा मिल जाएगा ऐसा वगैरह वगैरह, तो ये सारे थॉट आपके हटने वाले हैं। मुझे लगता है आप भी ऑप्टिमिस्टिक होने वाले हो, यानी कि होपफुल होने वाले अपने रिश्ते को लेकर और थोड़े से अपने रिश्ते को लेकर आप इंटरप्रेट करोगे कि अभी चीज़ें क्यों हुई ऐसी या क्यों हो रही है, ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट को। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इन डेप्थ आप कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन को समझोगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है आपका रिश्ता या फिर कैसे चल सकता है, कैसे आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो, ओके। और जो भी नेगेटिविटी या फिर जो डर आपके दिल में है या जो दुख है वो यहाँ पर मुझे रिलीज होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप मच्योरिटी के साथ ना अपने रिश्ते को, अपने पर्सन को फील कर पाओगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप समझ पाओगे कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है, अभी क्या बात करनी चाहिए या कनेक्शन बढ़ाना चाहिए या फिर चीज़ों को यू नो जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए, क्या करना चाहिए। बेसिकली मुझे लग रहा है कि यू नो आप इमोशनल फील तो करोगे अपने रिश्ते को लेकर, पर्सन को लेकर, लेकिन उसके साथ साथ आप सही डिसीजन ले पाओगे या सही चीज़ों को सोच भी पाओगे मैच्योरिटी के साथ, ठीक है। तो आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड मुझे नज़र आ रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। जो चीज़ें आप अभी तक समझ सोच नहीं पा रहे हो या सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपने कनेक्शन को लेकर, तो उससे रिलेटेड भी सही डिसीजन और जो डिसीजन आपके फेवर में होगा, आपके लिए सही होगा, वही चीज़ को आप चूज़ करोगे या उसी चीज़ को चुनोगे या फिर उसी सोच को अपनाओगे आपके रिश्ते को लेकर, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जो चीज़ आपके लिए सही है, जिससे आपको शांति मिलेगी, जिससे आपका भला होगा, आपके लाइफ में भला होगा, वो चीज़ को आप सिलेक्ट करेंगे, वो चीज़ को आप सोचेंगे एंड यू नो उसी चीज़ को कहीं ना कहीं आप प्रायोरिटाइज करने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी, बहुत ज़्यादा विजडम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके कनेक्शन में क्या मिराकल होंगे। आपके पर्सन तो मुझे बहुत पर्सन आपके पर्सन के अंदर तो मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं। We have acceptance. We have joy. Okay. तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते में एक्सेप्टेंस आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन जो है बैरियर से, प्रॉब्लम से निकलकर यू नो अपने एफर्ट डालना चाहेंगे,
ठीक है, वो करना चाहेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है, शुरुआत करना चाहेंगे, और आपके अंदर भी मेच्योरिटी नज़र आ रही है, आप भी अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव को समझ पाओगे, ठीक है, बस अपना नहीं देखोगे, दोनों के सिचुएशन को अंडरस्टैंड करोगे। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लगता है कंट्रोलिंग वाली अगर एनर्जी है किसी के भी तरफ से या दोनों के तरफ से, डोमिनेटिंग वाली एनर्जी है, ईगो है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हटने वाली है, तो एक एक्सेप्टेंस आएगा कि तुम जैसे हो, मैं जैसे हूँ, और हमारा रिश्ता जैसा है हमें वैसे एक्सेप्ट करना है, हम उस चीज़ को लेकर ग्रेटफुल हैं। तो ये जो दो एनर्जी है, ये जो ग्रेटफुल वाली एनर्जी है, ये अब दोनों के अंदर आएगी, ठीक है, जिसके वजह से आपके कनेक्शन में एक रिदम बनेगा, ठीक है, एक बैलेंस बनेगा। तो ये एनर्जी, ये मेजर चेंज, ये मिराकल मुझे आपके कनेक्शन में नज़र आ रहा है, और साथ में मुझे लगता है हैप्पीनेस, फन, ठीक है, और क्लोजनेस मुझे लग रहा है आपके कनेक्शन में होने वाला है। तो अगर आपकी बातचीत बंद है, बातचीत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अच्छी अच्छी बात है, यू नो, ऐसा नहीं है कि बात हो रहा है बहुत टाइम बाद तो फिर से झगड़ा हो रहा है, या फिर यू नो गुस्सा कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे पे, नहीं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यू नो फन होगा आप दोनों के बीच में, हैप्पीनेस होगी, ब्लशिंग होगा, ठीक है, खुद हंसोगे, गॉसिप करोगे, तो ये जो जॉय है, जो फन है, जो हैप्पीनेस जो आप दोनों के कनेक्शन में होनी चाहिए, वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। तो एनर्जेटिक लेवल पे बहुत कुछ चेंज हो रहा है आपके कनेक्शन पे, आप दोनों के फीलिंग्स में, ठीक है, आप दोनों की एनर्जीज में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, ओके, बहुत सारे शिफ्ट्स आ रहे हैं, और सारे के सारे बहुत अच्छे शिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। ओके, सो देखिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में ऐसे चेंजेस होने वाले हैं, और ऐसे सिचुएशंस या डिसीशंस आप दोनों लोगे जिससे कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत सेटिस्फाइड भी होगे। ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों को मन की शांति को मार कर कुछ करना पड़ रहा हो, या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या फिर एडजस्ट करना पड़ रहा है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, बात करने के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक यू नो म्यूचुअल लव, म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन, म्यूचुअल पीस आप दोनों के रिश्ते में आने वाला है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करके या एक दूसरे के साथ रह के बात करके आप दोनों को शांति मिलेगी। आप दोनों को ऐसा फील नहीं होगा कि हमें यू नो फोर्सफुली करना पड़ रहा है, या फिर यू नो एडजस्ट करना पड़ रहा है, या फिर हमें अपने आप को डिग्रेड करवा कर इस रिश्ते को चलाना पड़ रहा है, या फिर इस पर्सन से मिलना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर अब तक चल रही थी, तो आगे आने वाले वक्त पर नहीं चलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर गाइडेंस भी आपको ये मिल रहा है कि सेल्फ लव में भी ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि जितना सेल्फ लव में आप ध्यान दोगे, उतना आप सही डिसीजंस लाइफ में ले पाओगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ठीक है, और उतनी अच्छी चीज़ों को, अच्छे कनेक्शंस को, लव को मैनिफेस्ट भी आप कर पाओगे। तो अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, हमेशा डिपेंडेंट रहते हो प्यार के लिए दूसरों पे, तो वो उस चीज़ को बंद करें, सेल्फ लव में ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज सेल्फ लव जब करोगे तभी सही प्यार, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन से वो प्यार आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि सबसे पहले आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद को रिस्पेक्ट करें, आप खुद को प्यार करें, बिकॉज अगर आप खुद ही को प्यार नहीं कर पाओगे, तो फिर यू नो लोग क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे कि यू नो कि वो आपको प्यार करे, या फिर आप उन्हें प्यार कर पाओ। तो स्टार्ट हमेशा हमसे ही होती है, खुद से होती है, ठीक है। तो नो मैटर जो भी आप अपने ज़िंदगी में चाहते हो, ठीक है, उसकी शुरुआत आपको अपने ही तरफ से करना पड़ेगा, अपने माइंड से करना पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत आपसे ही होती है किसी भी चीज़ की, चाहे अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो कि अच्छा अच्छा सोचो, सेल्फ लव करो, ठीक है। जैसा प्यार डिजर्व करते हो वैसा प्यार सबसे पहले तो खुद से करो, ठीक है। एंड यू नो बस पॉजिटिव माइंडसेट को कंटिन्यू रखने की कोशिश करो, नो मैटर्स यू नो सिचुएशंस कैसी है या क्या फेस करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता, बट स्टिल ट्राई करो कि जितना हो सके उतना हम अपने माइंडसेट को अच्छा रख सकें, ठीक है, उससे हमारी एनर्जीज भी बैलेंस रहती है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।